हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सत्यम शिवम फन में। आज हम हमारे पड़ोसी देश भूटान के बारे में जानने वाले हैं। यह एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों को पेड़ों से बहुत ही प्यार है। जो देश जितना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं करता उससे अधिक एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि यह देश कार्बन नेगेटिव है। एक ऐसा देश जिसने अपने हैप्पीनेस को मापने के लिए इंडेक्स बनाया। जी हाँ दोस्तों, आज हम भूटान के बारे में जानने वाले हैं। आज हम भूटान के बारे में कई ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भूटान का सफर। भूटान यह देश आशिया कॉन्टिनेंट में आता है। यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक लैंडलॉक देश है। भूटान की सीमा भारत और चीन से स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत से लगती है। फिजिकली हम भूटान को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और डुअर प्लेन्स। इस देश की राजधानी थिम्फू है। भूटान का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ भूटान है। इसे ड्रुक यूल भी कहा जाता है, जिसका मतलब है द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। इसके झंडे पर भी ड्रैगन है। यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज जोंका है। यह एक तिब्बतन डायलेक्ट है। भूटान के करेंसी को गल्ट्रम कहते हैं। दोस्तों, यह भारतीय रुपया भी स्वीकृत किया जाता है। इसका क्षेत्रफल 38,390 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की आबादी लगभग 7.5 लाख है। भूटान में 38% लोग शहरी क्षेत्र में स्थित है और 62% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 साल है। यहाँ का लिटरेसी रेट पुरुषों का 75% है और औरतों का 57% है। यहाँ का नेशनल खेल आर्चरी है, लेकिन आर्चरी के साथ साथ यह बास्केटबॉल और क्रिकेट की भी लोकप्रियता बढ़ रही है। भूटान में लगभग 75% आबादी बौद्ध धर्मों को मानती है और लगभग 25% आबादी हिंदू धर्मों को और 1% लोग ईसाई धर्मों को मानते हैं। 2008 से पहले बौद्ध धर्म भूटान का स्टेट रिलीजन था, परंतु 2008 के संवैधानिक बदल के चलते अब भूटान बौद्ध धर्मों को अपना स्पिरिचुअल हेरिटेज मानता है। दोस्तों, आपने भूटान के राष्ट्रीय प्राणी के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। इसका नाम टाकिन है, जो एक गोट एंटेलप है। यह भूटान का राष्ट्रीय प्राणी है। इसे पहले एक माइथोलॉजिकल प्राणी समझा जाता था, जब तक इसे एक ब्रिटिश आदमी ने पहली बार देख नहीं लिया था। भूटान यंग आबादी वाला देश है, जिसके आबादी के लगभग 1/3 लोग 15 साल के नीचे है और 31% लोग 30 साल के नीचे है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 19% पर स्क्वायर किलोमीटर है। भूटान में हम भारतीय बिना किसी वीजा पासपोर्ट के घूम सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यह भूटान में सन 1999 में टेलीविजन और इंटरनेट को इजाजत दी गई थी, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना था कि यह उनके कल्चर को खत्म कर रहा है। यह दुनिया के कुछ ऐसे देशों में शुमार है जहाँ पर टीवी सबसे लेट पहुँची। दोस्तों, भूटान यह देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग कितने क्रिएटिव है, यहाँ का आर्किटेक्चर कितना दमदार है। पहाड़ियों के बीच में एक से बढ़कर एक अद्भुत कलाकृति देखने को मिलेंगे। दोस्तों, भूटान का नेशनल ड्रेस कोड भी है, जो इन्हें किसी फॉर्मल फंक्शन, गवर्नमेंट ऑफिस या स्कूल में पहनना जरूरी है। पुरुषों के कपड़ों को घो कहते हैं और औरतें को कपड़े को कायरा कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह भूटान में तंबाकू बैन है। यह तंबाकू खाना या बेचना मना है। यह 2010 में पहला ऐसा देश था जिसने यह कदम उठाया और यह पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग करना भी मना है। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले बताया, भूटान के लोगों को पेड़ से बहुत ही प्यार है। यहाँ का लोकल रूल है कि यह 60% जगह पेड़ पौधों से ढकी होनी चाहिए। है ना कमाल की बात। जहाँ के लोग ही प्रकृति को लेकर जागरूक हो, उस देश का क्या ही कहना। एक बार तो भूटान के लोगों ने पेड़ लगाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। 1 घंटे में पूरे 50,000 पेड़ लगाए गए थे और इसी जज्बे के कारण यह देश दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है। यह लगभग
71% एरिया फॉरेस्ट के अधीन है। दोस्तों, भूटान की एक और खास बात यह है कि यहाँ औरतों को काफी इज्जत दी जाती है। यहाँ पिता की संपत्ति बड़ी बेटी को दी जाती है और बेटों को खुद ही सब कुछ कमाना पड़ता है। जब तक वो खुद के लिए कमाना चालू नहीं कर देता, तब तक वो अपनी पत्नी के घर में रहता है। दोस्तों, भूटान में 4 एयरपोर्ट है, जिसमें से एक है पारो एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट दुनिया के कुछ खतरनाक एयरपोर्ट के सूची में शामिल है, क्योंकि यह एयरपोर्ट पहाड़ों पर स्थित है और इसका रनवे भी खास लंबा नहीं है, और साथ में हवा से भी पायलटों को निपटना पड़ता है। 20 से भी ज्यादा कम पायलट है जो इस एयरपोर्ट पर लैंड करवा सकते हैं। भूटान की एक और खास बात यह है कि यह मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस भी है, जो कि देश के नागरिकों की हैप्पीनेस पर ध्यान रखती है। इसके लिए इन्होंने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यह इंडेक्स भी निकाला है, जो इनके नागरिकों का हैप्पीनेस गिनता है। भूटान 1971 में यूनाइटेड नेशंस का भाग बना। भूटान सार का फाउंडिंग मेंबर भी है। दोस्तों, बात करें भूटान की गवर्नमेंट की, तो वह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद 2 लेजिस्लेटिव हाउसेस है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट राजा होगा और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होगा। दोस्तों, यहाँ के लोग अपने राजा को बहुत प्रेम करते हैं। इनके राजा का नाम किंग जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक है। यह जब 2006 में राजा बने, तब यह दुनिया के सबसे यंगेस्ट रेनिंग मोनार्क थे। इनकी पदवी को ड्रुक ग्यालपो यानी ड्रैगन किंग कहा जाता है। दोस्तों, राजा और रानी के पहले बेटे के जन्म की खुशी में यहाँ के लोगों ने 108,000 पेड़ लगाए थे। दोस्तों, यह एक ऐसा प्रावधान है कि किसी लुप्त प्राय प्रजाति के जीव को मारने पर उम्र कैद की सजा दी जाती है। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं वो जगह जो आप अपने भूटान टूर में शामिल कर सकते हैं। नंबर 1 पर है भूटान देश की राजधानी थिम्फू। नंबर 2 पर है पारो शहर। नंबर 3 पर है टाइगर्स मोनास्ट्री, जो कि पारो में ही स्थित है। नंबर 4 पर है हां वैली। नंबर 5 पर है पुनाका शहर, जो कि इस देश की राजधानी भी रह चुके हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ सजेशन तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर हमें मेल करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।